जिले के विकास कार्य सुचारू रूप से चालू रखने के लिए भाजपा विधायक दिनेश राय मुर्मू ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, उस दौरान सिवनी मेडिकल कॉलेज और लालमाटी एरिया में करोड़ों रुपए की नहर मिली थी, जिससे जिले के अधिकांश हिस्सों में पानी की समस्या को हल किया जा सकता था। जिले में मेंटेना कंपनी के द्वारा नहर निर्माण कार्य को रोक दिया गया है। सिवनी विधायक दिनेश राय मुर्मू ने बताया कि मेंटेना कंपनी के मैनेजमेंट और अधिकारियों द्वारा बताया गया कि छिंदवाड़ा जिले में करोड़ों का काम स्वीकृत हुआ है, जिसके चलते यहां का काम बंद किया जा रहा है। भाजपा विधायक ने यह भी बताया कि कंपनी के द्वारा यह कहा गया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि सिवनी के सभी काम छोड़ो और छिंदवाड़ा के काम को प्राथमिकता से करो। जिस तरह लगातार सिवनी जिला उपेक्षा का शिकार हो रहा है, इन सब बातों को लेकर सिवनी के भाजपा विधायक दिनेश राय मुर्मू ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। क्षेत्र से लेकर लालवाड़ी क्षेत्र में मेंटेना कंपनी द्वारा नहर का काम कराया जा रहा था और वो काम बड़ी तीव्र गति से चल रहा था। उसको अचानक पता नहीं क्या हुआ, उससे पूछा, बोले कहा हमने छिंदवाड़ा में 5,000 हेक्टेयर भूमि का काम फिर मिल गया, हम वहाँ जा रहे हैं और इस काम को छोड़ के जाना है। हाँ, उसका कहना है कि सीएम साहब ने स्पष्ट निर्देश कर दिए, सिवनी का काम सब बंद करिए, आप बोले उसी में फाइनल बिलिंग करवाइए और हमारा छिंदवाड़ा काम पूरा करिए। अगर जो काम जो नहरें बन गई हैं और जिन नहरों को कहीं कहीं ज्वाइंट होकर उस नहर से सैकड़ों हजारों हेक्टर भूमि सिंचित होना है, उन काम को ठेकेदार छोड़ के भाग रहा है, तो निश्चित है कि 2-3 साल तक मेरा क्षेत्र सफर करेगा। तो ऐसी स्थिति को देख कर जनता के बीच में जन आक्रोश है और गाँव गाँव में पानी नहीं मिल रहा, शहर में पानी नहीं मिल रहा। इन सब बातों को लेकर मैंने ज्ञापन दिया हूँ कि जिला कलेक्टर के माध्यम से कि आप तत्काल मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं और जो जटिल समस्या बन रही है उसमें कहीं ना कहीं मत प्रतिदार द्वारा जो शब्द कहा जा रहा है अगर वो सही है तो कहीं ना कहीं बड़ा खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, व्यक्तिगत एक अपनी विधानसभा के नहीं होते, सभी विधानसभाओं के लिए बराबर है और मेरी विधानसभा भी उनके जिले से लगी हुई है और इस जिले के साथ साथ कई बार छलावा हुआ है। और अगर पुनः अगर इसी प्रकार की स्थिति अगर बनती है, अगर नहर का काम रोक दिया जाएगा, निश्चित है जन आक्रोश फैलेगा और इसका बहुत दूर परिणाम और बड़े कठिन ऐसे निर्णय लिए जाएंगे हमारे किसानों जनता के द्वारा। कहीं ना कहीं सरकार को इसकी इन सब खामियाजा को भुगतना भी पड़ेगा।